लखनऊ में सपा नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा एमएलसी राजेश यादव और अन्य एमएलसी विधानसभा गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। विधानसभा के सामने ट्रैक्टर से सपा नेता पहुंचे हैं। किसानों की समस्या और महंगाई के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गन्ने लेकर पहुंचे हैं सपा के एमएलसी, वही एमएलसी को विधानसभा गेट पर रोक दिया गया है। बड़ी खबर है, जहां सपा एमएलसी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई किसान मुद्दों समेत तमाम यहां पर मुद्दे उठाए गए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर गन्ने के साथ ट्रैक्टर पर पहुंचे हैं सपा के एमएलसी, जहां पर उन्हें रोक दिया गया है। विधानसभा गेट के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सपा के एमएलसी गन्ने को लेकर पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। वही आपको बता दें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और पहले ही विपक्ष ने यहां पर अपनी पूरी तरह से, जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गन्ना लेकर पहुंचे हैं सपा के एमएलसी, जहां पर महंगाई और किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। विधानसभा गेट के बाहर सपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं और एमएलसी हैं वो पहुंचे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे जानेंगे, जिस तरह से आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और ये पहले से ही अनुमान था कि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, लेकिन उससे ठीक पहले ही विधानसभा गेट के बाहर सपा के एमएलसी पहुंच चुके हैं और तमाम मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले ही ये रणनीति बनाई थी और ये साफ तौर पर बोल भी दिया था कि पहले दिन वो विरोध जरूर करेंगे सरकार का, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है, जो गन्ना मूल है, जो किसान आंदोलन है, इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पहले भी प्रदर्शन करती रही और इसके पहले जो विधानसभा सत्र हुआ था तो उस दौरान भी इन लोगों ने इसी तरह से प्रदर्शन किया था। आज फिर इसकी शुरुआत हुई है, जैसे कि 11 बजे से सत्र शुरू होना है, लेकिन 10 बजे ही ये जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये विधानसभा पहुंच गए। गन्ना इनके पास था, इनके पास ये ट्रैक्टर से आए थे और कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल के साथ साथ किसानों का मुद्दा, गन्ना मूल का मुद्दा, ये सारे मुद्दे को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया है, लेकिन ये सब अवस्थी है और ये थोड़ी देर में विधानसभा के अंदर में जाएंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जब विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो उस दौरान भी खासा जो हंगामा है वो देखने को मिलेगा सपा की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इसके बाद कितना आसार है कि बजट सत्र ये पूरा हंगामेदार रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में जब जब विधानसभा सत्र हुआ है या विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है तो कभी भी वो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी अगर हम बीते कुछ दिनों का जब देखे, जब भी विधानसभा के सत्र हुए हैं तब तक समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से विरोध किया है। पिछली बार जब सत्र हुआ था तो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विरोध जताया गया था, तो इस बार भी उम्मीद कुछ इसी तरह की जताई जा रही है कि जब मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल बोलेंगे तो उसी दौरान समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है या फिर अन्य जो विपक्षी नेता है वो विरोध जताने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद जो कांग्रेस के नेताओं के किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की है। देखिए, सपा के जो नेता है, जो एमएलसी है, वो ट्रैक्टर से आए हुए थे, उनके पास गन्ना था, तो साफ तौर पर वो गन्ना मूल्य को लेकर, किसानों को लेकर और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर सामने आए थे। इसके साथ ही उन्होंने नारे तो कई सारे लगाए, क्योंकि कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश में बदहाल है। कल उन्नाव में जो घटना हुई उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी और जो नेता थे उन्होंने सरकार के ऊपर हमला बोला। इसके अलावा अगर हम बताएं तो जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उससे भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार को घेरने की तैयार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो पेट्रोल पर और डीजल पर लगता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो ये कार्यकर्ता, जो एमएलसी थे, वो मौजूद थे और ये प्रदर्शन कर रहे थे। शिखा जी, नितिन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो लखनऊ में सपा नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से अभी कुछ ही देर में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष ने सरकार को घेरने की जो कुछ रणनीति बनाई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा गेट के बाहर सपा के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।